गांधी परिवार का गढ़ कहे जाने वाले अमेठी में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश महासचिव जंग बहादुर सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। गौरीगंज में अपने आवास पर बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जंग बहादुर सिंह ने राहुल गांधी को फैसले न लेने वाला नेता बताते हुए कांग्रेस छोड़ने का फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। जंग बहादुर सिंह के साथ करीब 135 लोगों ने भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली, जिनमें ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य शामिल है। अपने इस्तीफे में ही लिखा है कि कांग्रेस की नीति और रीति से असंतुष्ट होकर मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं और बीजेपी के विकास कार्यों से और कार्यकर्ताओं के सम्मान से प्रभावित होकर बीजेपी ज्वाइन करने जा रहा हूं। भाजपा को 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कांग्रेस मुक्त करना है। 2014 में पूरे देश से तो कांग्रेस मुक्त हो गया, लेकिन अमेठी बच गया था। बाबू जंग बहादुर सिंह एक जनाधार वाले नेता हैं। मेरा ये मानना है कि आने वाले 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से भी कांग्रेस मुक्त हो जाएगी, तब मोदी जी का यह सपना साकार हो जाएगा।